के विवेक ज्ञान के बाद शेष शरीर जो जीवन मुक्त स्थिति है वो कैसे धारण होता है, शरीर का धारण कैसे होता है, इसके लिए ये श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में जीवन मुक्ति स्थिति के बारे में कहेंगे और अगले श्लोक में विदेह मुक्ति के बारे में कहेंगे। सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिव धृतशरीरः तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिव धृतशरीरः सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ। जब सम्यक् ज्ञान का अधिगम हो गया, प्राप्ति हो गई, यहाँ सम्यक् ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है जो केवल ज्ञान अभी कहा गया है, वस्तु तत्व को जानने के बाद जो स्थिति है, तो संयोग रहने के बाद भी वस्तु तत्व का ज्ञान होने पर संयोग से सर्गरूप प्रयोजन नहीं होगा। संयोग इसलिए माना गया है, दोनों व्याप्त होने के कारण संयोग को माना गया है, तो संयोग रहेगा तो भी उसके दोनों के स्वरूप को जान, स्वरूप का ज्ञान आपको मुक्त कराएगा, यही इसका अभिप्राय है। इसलिए सम्यक् ज्ञानाधिगमा, सम्यक् ज्ञान को प्राप्त करने के बाद धर्मादीनाम अकारण प्राप्तो, ये धर्म अधर्मादि जो संसार का कारण है वो अभी अकारण रूप में हो गया, वो अभी संसार का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म अधर्मादि का अभी कोई प्रयोजन नहीं रहा। पुरुषार्थ रूप प्रयोजन को उद्देश्य करके ये प्रवृत्त हुए थे, तो वो पुरुषार्थ समाप्त हो गया, यानी बुद्धिवृत्ति में विवेक ज्ञान आ गया। विवेक ज्ञान आने पर पूरी प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, इसका मतलब उसके साथ संबंध होने के बाद जो जो कार्य हुआ जैसा लगता था, अब वो कार्य हुआ जैसा नहीं लगेगा, इसलिए वो सात्विक बुद्धि की स्थिति है, ऐसी स्थिति में हो जाता है, तो धर्मादियों का कारणत्व समाप्त होता है। कारणत्व समाप्त होने के कारण ही आगे जन्म भी नहीं होता है, इसके साथ कोई संबंध रहेगा, तादात्म्य संबंध जब रहेगा,
संयोग मान कर रहेगा, तो जब संयोग को मानता है तभी वहाँ सृष्टि होती है। यदि संयोग को नहीं मानेंगे तो कोई भी सृष्टि को व्याख्या ही नहीं कर सकते, सृष्टि है ही नहीं, क्योंकि व्याख्या नहीं हो सकती है, प्रकृति और पुरुष दो ही रहता है। इसलिए सभी विवेकी का जो स्वरूप में जो वर्णन करते हैं कि इस समय यहाँ स्थिति में रहने पर भी, ये जो लौकिक व्यवहार में जैसे स्थिति है वैसे रहने पर भी विवेक रहने के कारण वो संबंध बना रहता है, ऐसा होने के स्थिति में भी विवेक रहने के कारण उसमें क्या होगा कि दोनों का पृथकता का ज्ञान रहेगा। पृथकता का स्वरूप ज्ञान रहे जब, तब वहाँ आपके लिए कोई कार्य नूतन नहीं होता है, कार्य के रूप में कुछ नहीं होता है। कि जब तक कारण का दर्शन नहीं होता है, कारण का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ही कार्य का रूप रहता है। कारण का ज्ञान होने के बाद कार्य तद्रूप में नहीं रहेगा, तो ये सभी वादी मानते हैं। इसीलिए ये वर्तमान काल में ही प्रकृति पुरुष विवेक होने पर यहाँ जीवन मुक्ति अवस्था होती है। ऐसा नहीं कि कोई अवस्थांतर में कालांतर में वो प्राप्त होगा, विवेक होने के बाद प्रकृति का लय होगा तभी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं मानते हैं। जैसा हम वेदांत में मानते वैसे ही है, जब ज्ञान हो जाएगा तभी ये विवेक प्राप्ति हो जाएगी, तब उनका वो संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। वो ज्ञान के द्वारा हो रहा है तो जिस स्थिति में ज्ञान होगा उस स्थिति में हो जाएगा। इसका मतलब जगत में कोई परिवर्तन होना आवश्यक नहीं, और सृष्टि में संहार होना ऐसा भी आवश्यक नहीं, संहार भी नहीं होगा, सृष्टि सृष्टि के रूप में रहेगा, तभी तो ये जीवन मुक्ति की स्थिति बता रहे हैं। और प्रातःकाल में कहे थे कि ये जो शरीर है वो भी सृष्टि के अंतर्गत आ गया, सृष्टि के अंतर्गत आने के कारण वो तामसिक कार्य है, उसको शुद्ध सात्विक के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो स्थिति जहाँ प्राप्त हो गई है वो वैराग्य के कारण प्राप्त हो गया, वैराग्य जो है क्रिया की निवृत्ति करता है, क्रिया में प्रवृत्ति नहीं करेगा, जो जो प्रवृत्ति आप लाएंगे उससे वो निवृत्ति करता है, पहले पहले निवृत्ति करा करके आगे ले जाएगा। और परम निवृत्ति के स्थिति में जो परम वैराग्य जिसको कहा गया तत्पदम तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, ये परम निवृत्ति है, वो परम निवृत्ति के स्थिति में ही ये प्राप्त हुआ है विवेक ख्याति, इसको धर्म मेघ समाधि भी बोलते हैं। तो फिर वहां से फिर प्रवृत्ति करके उत्पन्न करने की कोई बात नहीं बनती है। इसीलिए ये सम्यक ज्ञान अधिगम होने से धर्मादीनाम अकारण प्राप्त होगा, यह निमित्त नहीं बनेगा। जो कुछ कर्म है संबंध है पहले निमित्त बन रहा था, अब नहीं बनेगा, इसलिए कारण नहीं बनेगा, शरीर धारण के लिए कारण नहीं बनेगा। तो फिर कैसे शरीर चलेगा, तो उसके लिए कहते हैं संस्कार वशात चक्र भ्रमिवत धृत शरीर तिष्ठति। वो पूर्व संस्कार के बल से, ये पूर्व संस्कार का जो संबंध है उसके बल से, इसके लिए तदा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, वो क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाते हैं ऐसा योग सूत्र में कहा है। ये क्लेश कर्म की निवृत्ति होने के बाद उसको संस्कार बल से उसके स्थिति हो जाती है। तो ये योग में भी मानते हैं और इनके सांख्य में भी मानते हैं, जीवन स्थिति में संस्कार वश होता है। इसका मतलब जो प्रारब्ध शेष कर्म है उससे इसका काम होता है, संस्कार वश यही, जिस कर्म के संस्कार के बल पर ये भोग शरीर उत्पन्न हुआ है, प्रवृत्त हुआ है, वो भोग समाप्त होने तक उसकी प्रवृत्ति जारी रहेगी, इसलिए संस्कार वशात कहा। अब वो कैसा दृष्टांत दे रहे हैं, चक्र भ्रमिवत, चक्र भ्रमण के समान। चक्र भ्रमिवत का अर्थ चक्र का भ्रमण हो गया, कि चक्र जैसा घुमा करके आपने छोड़ दिया तो उसके बाद वो घुमाना बंद करने पर भी अपने आप कुछ समय घूमता है। तो ये जैसे कुलाल चक्रवत प्रवृत्त वेगस्य, ये दृष्टांत
अन्यत्र वेदांत आदि में भी बहुत जगह भाष्यकार ने भी इसको इस्तेमाल किया है। और छोड़ा हुआ तीर है उसके समान, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिया है। ये चक्रभ्रमी का भी दृष्टांत दिया है, कुलाल चक्रवत ये कहा, कुलाल का चक्र है ऐसा घुमा करके छोड़ दिया, फिर घूमता रहता है, जैसा हमारा फैन आदि भी ऐसे बिजली बंद करने के बाद भी अपने आप घूमता है। तो उसमें कहाँ से वो वेग उत्पन्न हुआ, कैसे वो घूम रहा है, उसमें शक्ति प्रवाह कैसे हो रहा है? तो पूर्व में जो प्रवृत्त शक्ति है उसके प्रवाह से वो संस्कार को ले लेता है। इसको स्थिति स्थापक भी कहते हैं, ये न्यायिक जो है इसको स्थिति स्थापक धर्म माना है कि वो पूर्व स्थिति में आने के लिए कुछ उसका संस्कार बन जाता है, उसी में वो पूर्व स्थिति में आ जाता है, किंतु कुछ संस्कार से बनता है। जैसे आपने कोई चटाई को गोल करके रखा फिर उसको खोल दिया तो फिर घूम करके उसी स्थिति में जाएगा, तो ये हमारे अंदर भी संस्कार बनता है, उनके अंदर भी बनता है वो संस्कार। उसको कैसे पता है वापस वैसे घूमना है, वो अपने आप घूमता है जैसा कोई घुमा रहा जैसा। तो ये जब होता है रबर में होता है, स्प्रिंग में होता है, ये सब में ऐसे धर्म होते हैं, उसका वो धर्म लेकर के हम काम करते हैं। जब पेड़ में भी होता है, पेड़ के शाखा को नीचे खींचने पर वापस उस स्थिति में आ जाता है। तो जब चटाई में हो रहा है तो बाकी सब में होता है। तो इसमें जो मुला उसके अंदर जो प्रवृत्ति होती है संस्कार को लाने के लिए, उसके अपने ढंग से होता है, तो वो बदलता है, बदलने पर भी धीरे धीरे ही बदलेगा। हम जैसा बदल सकते हैं वैसा नहीं बदल सकता है, ऐसे ही ये संस्कार भी है। शरीर को प्रवृत्त होने के जो संस्कार पड़ गया वो प्रवृत्त होगा, और बहुत सारे संस्कार के बल पर ही हमारे काम होता है। ये शरीर को किस प्रकार से आप अभ्यास कराएंगे वैसे ही वो अभ्यस्त हो जाता है। जैसा आप लिखते हैं, लिखने के लिए जो अभ्यास करते हैं, तो जैसा हैंडराइटिंग या लिखने का अभ्यास करते हैं वैसा हैंडराइटिंग होता है, वो अभ्यास से वो हाथ ऐसे चलने लगता है। जैसे चलने का अभ्यास करेंगे वैसा चलेगा, जैसा बैठने का अभ्यास करेंगे वैसा बैठेगा, शरीर धीरे धीरे उसी के साथ जुड़ करके उसी आकार में बनेगा। तो वो ही संस्कार है, इस प्रकार का संस्कार हमारे मन में भी है और बुद्धि में भी है, सभी इंद्रियों में है, तो उसके अनुसार वो चलेगा। तो कर्म के ही शेष भाग को प्रारब्ध कहा जाता, उसी को ही यहाँ कहा गया। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा अथ संपद्यते, ये सूत्र ब्रह्मसूत्र में है, इसी को ही कहता है, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा अथ संपद्यते, कि भोग के द्वारा बाकी शेष कर्म को क्षय करके फिर उसको मुक्ति हो जाती है, मतलब शरीर क्षय चल होता है, तो वो भी है। और हमारे इसमें छांदोग्य उपनिषद में है, तस्य तावदेव चिरम यावद न विमोक्षे अथ संपत्सि, तो ये प्रारब्ध शेष कर्म के लिए उदाहरण है, ऐसा ही यहाँ भी उसको मान लिया है। अब विदेह मुक्ति कैसे होती है, अब शरीर धारण जब तक रहेगा तब तक तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, जीवन जीवन अवस्था में ही मुक्ति का अनुभव करने से। और इसी प्रकार यहाँ से इस संस्कार को नष्ट करने पर, संस्कार जैसे ही प्रवृत्त हो गया अपने आप नष्ट हो, ये नष्ट करने के लिए जीवन मुक्त को कुछ करना नहीं पड़ता है, प्रवृत्ति अपने आप होकर के प्रकृति के अपने ही परिणाम के अंतर्गत वो एक परिणाम स्थिति में पहुँचेगा, उधर से दूसरा परिणाम स्थिति को अपने आप प्राप्त करेगा। इसलिए आपको उसको नष्ट करने के लिए कोई संकल्प करना नहीं पड़ता है, रखने के लिए भी कोई संकल्प करना नहीं पड़ता, कुछ भी विचार की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती है। अब खाते पीते रहेंगे वो भी ऐसे ही, जो प्रक्रिया पहले हो रही थी हजम होगा वो सब होगा, सब ऐसे ही होता है, ज्ञान होने के बाद कोई अंदर नहीं पड़ता, केवल उनके विचार में अंदर पड़ता है, विषय के संग्रह में अंदर पड़ता है, और विषयों के साथ जो तादात्म्य संबंध पहले हुआ उसमें अंदर पड़ता है। तो बुद्धि में विचार में अंदर पड़ेगा और बाकी शरीर का व्यवहार में अंदर नहीं पड़ेगा, यह तो जीवन मुक्त हो गया। अब विदेह मुक्त, यहाँ से ये समाप्त होने के बाद विदेह मुक्त होता है, इतना ही है। ये शरीर जो धारण किया हुआ था, शरीर का वियोग हो गया, उसी को ही विदेह मुक्ति कहते हैं, देह के बिना मुक्ति की स्थिति। प्राप्ते शरीर भेदे, प्राप्ते शरीर भेदे।
चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकमात्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति चरितार्थत्वात् शरीर भेदे प्राप्ते प्रधान विनिवृत्तौ उभयम् ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् कैवल्यम् आप्नोति अथवा उभयम् को इस तरह भी ला सकते हैं ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् उभयम् कैवल्यम् आप्नोति। ये पहले आपको याद होगा प्रथम श्लोक में ये शब्द आया था उपक्रम में, उस शब्द को लेकर के उसी के अर्थ को समझ करके उसी को ही उपसंहार कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में आया था दृष्टे सापार्था चेत नैकांत अत्यंत दो भावात, ये कहा था कि दृष्ट उपायों से दुख त्रय का विघात को रोकना संभव नहीं है क्योंकि वो एकांततः अत्यंततः नहीं होता है, निश्चित रूप से नहीं होता है, पूर्णतया भी नहीं होता है। ये दो कारण से जो तत्काल दृष्ट साधन है उनसे दुख निवृत्ति नहीं होती है कहा था। अब उसी को यहाँ उपसंहार में कहते हैं इस स्थिति में पहुँचने के बाद उनकी जो दुख निवृत्ति है वो ऐकांतिक और आत्यंतिक होता है, निश्चित रूप से होगी। जब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद ज्ञान के फल के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको मालूम है अभी कि ज्ञान हो गया बुद्धि तत्व में और उसका फल रूप से कुछ उत्पन्न नहीं होता है, फल केवल वियोग मात्र है। पुरुष को पुरुष के स्वरूप में जानना और प्रकृति को प्रकृति के स्वरूप में जानना, और कोई फल वहाँ उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फल व्याप्ति वहाँ नहीं है, केवल वहाँ वृत्ति ही है, उस प्रकार से ज्ञान ही है जो कहते हैं ये है। उसमें उसी में ही ऐकांतिक हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, ज्ञान होने के बाद फल वहाँ निश्चित ही है। और आत्यंतिक भी हो गया, इसका मतलब पुनः कारण रहते हुए पुनः उत्पन्न नहीं होगा। यदि पुनः उत्पन्न होने के लिए कारण रहा तो पुनः उत्पन्न हो सकता है, किंतु ऐसे कारण को निवृत्ति करते हुए ये उत्पन्न हो गया, इसलिए आत्यंतिकत्व का लक्षण न्यायिकों की भाषा में ऐसे किया है स्वसमानाधिकरण दुख प्रागभाव असमानकालीनत्व आत्यंतिकत्व। हाँ, वो क्या कहते हैं स्वसमानाधिकरण, जिस अधिकरण में रहेंगे दुख का अभाव वहां आगे दुख होने के लिए प्राग अभाव नहीं रहता, तो स्वसमानाधिकरण दुख का अभाव जिस अधिकरण में रहेगा उस अधिकरण में आगे दुख होने के लिए उसका प्राग अभाव नहीं रहता है। यदि प्राग अभाव रहेगा तो पुनः दुख हो सकता है, इसका मतलब आगे दुख होने के लिए कारण नहीं रहता हुआ दुख का अभाव होता है। यहाँ सामान्य में हमारे जीवन में भी दुख का अभाव होता रहता है निरंतर, किंतु वो स्वसमानाधिकरण दुख प्राग अभाव का अत्यंत अभाव नहीं है, तो असमानकालीनत्व अभाव नहीं है। उसमें क्या है कि अभी दुख का अभाव हो गया, प्रध्वंस अभाव हो गया दुख का, अभी एक दुख आ गया वो चला गया, भोजन के लिए दुख हुआ था, भोजन प्राप्त हो गया तो दुख चला गया, किंतु ये दुख चला गया जिस अधिकरण में, जिस आत्मा में, जिस व्यक्ति में, उसमें आगे आने वाले दुख का प्राग अभाव का असमानकालीनत्व तो नहीं है, प्राग अभाव भी वहां रहता है, कुछ समय के बाद फिर वहां से दुख प्रकट होगा। वो कहते हैं ये प्रध्वंस, एक दुख का प्रध्वंस होने के बाद दूसरे दुख वहां से उत्पन्न होना नहीं चाहिए, वहां उसका दूसरे दुख का प्राग अभाव नहीं रहना चाहिए।
राग अभाव मतलब पूर्व स्थिति एक कारण निमित्त है कार्य होने के लिए, उसको कहते हैं आत्यंतिक अभाव। तो एक बार हो गया अभाव हो गया तो वो बना ही रहे, प्रध्वंस अभाव को निरंतर बना ही रहेगा, दूसरा उसका प्राग अभाव नहीं रहेगा। प्रध्वंस अभाव ऐसा तो सादी और आनंद होता है, सादी है किंतु आनंद ही होता है, किंतु जिस अधिकरण में प्रध्वंस अभाव है वहां प्राग अभाव वहां रह जाता है, रहने से भ्रूण उत्पन्न होता है। ऐसा ना होगा तो उसका आत्यंतिक कहते हैं, ऐसे ही यहाँ आत्यंतिक भी है जिसका अंत नहीं हो। अब किसका अंत नहीं हो रहा है, दुख जो निवृत्त हो गया वो निवृत्ति का अंत नहीं हो रहा है, निवृत्ति का अंत होगा तो क्या होगा, पुनः उत्पत्ति होगी, तो निवृत्ति का अंत नहीं होगा, उसका आत्यंतिक कहते हैं। तो ऐसा एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम प्राप्नोति, उभयम कैवल्यम प्राप्नोति, दोनों कैवल्य प्राप्त होता, दोनों विशेषण से युक्त केवल स्थिति प्राप्त होती। यहाँ उभय शब्द का अर्थ में व्याख्याकारों में भेद है, कोई कहते हैं ये उभय शब्द से ये एकांतिक और आत्यंतिक इन दोनों को ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा दिखाई पड़ता है ना। किंतु कोई कहते हैं ये कहने की क्या आवश्यकता है, जब उन्होंने स्वयं एकांतिकम आत्यंतिकम दोनों शब्द ले लिया, किसी का नाम लेकर के फिर ये दोनों जैसा राम और कृष्ण ये दोनों, ऐसा कहना सामान्य व्यवहार भाषा के लिए तो शोभा देता है किंतु शास्त्रीय भाषा के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो एकांतिकम आत्यंतिकम ये कहा, उसके बाद ये दोनों कैवल्य प्राप्त होता है, एक उभय शब्द ज़्यादा जोड़ दिया। तो किसी के व्याख्याकारों की मानना यह है कि ये उभय शब्द से इसको नहीं लेना चाहिए, उभय शब्द से प्रकृति और पुरुष को लेना चाहिए। उसमें प्रकृति और पुरुष को लेने से क्या है कि यहाँ ये अर्थ हो जाएगा कि प्रकृति पुरुष द्वय दोनों ही अपने शुद्ध साम्य के स्थिति में कैवल्य को प्राप्त करता है, क्योंकि इसी को ही अनुवाद करने वाले सूत्र मिलता है पतंजलि योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन इसी शास्त्र का ही अंक है, इसलिए सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम में, वहां भी उन्होंने दोनों को लिया, शुद्धि साम्य लिया सत्व पुरुष दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों को लिया, इसलिए उससे यहां संवाद करते हुए उभय का अर्थ ऐसा करने से और अच्छा हो स्पष्ट हो, तो दोनों अपने अपने स्थिति में कैवल्य को प्राप्त करेगा। यहां कुछ अभी बताने के लिए नहीं है, ऐसा करके स्थिति प्राप्त करेगा। ये कब होता है कि शरीर चरितार्थत्वात् शरीर भेदे प्राप्ते, जब चरितार्थ हो गया, चरितार्थ का अर्थ अर्थ पूरा हो गया, चरितः अर्थः येन स चरितार्थः, जिसके द्वारा चरित हो गया, आचरित हो गया अर्थ, अर्थ यानी पुरुषार्थ, तत्त्वं चरितार्थत्वं ते तस्मात् चरितार्थत्वात्, ये हो गया। तो चरित हो गया अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की दोनों की प्रवृत्तियां पूरी समाप्त हो गई, तब शरीर भेदे प्राप्ते, शरीर भेद प्राप्त होगा। उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो गया था किंतु शरीर भेद नहीं हुआ था, शरीर का नाश नहीं हुआ था, शरीर नाश की ओर परिणाम में जा रहे थे। वो नाश की ओर परिणाम तो शुरू से ही होता है, जब जन्म होता है जन्म से लेकर के ही वो नाश की ओर परिणाम की ओर ही जा रहा है, बीच में ये सब कथा हो गई, उन्होंने साधन किया भजन किया फिर जो है मोक्ष हो गया ज्ञान हो गया सब कुछ हो गया, किंतु शरीर जो विनाश की ओर जा रहा है वो नहीं रुका, वो तो चलता ही रहा, जहां तक वो जाना है वहां तक जा करके समाप्त होना है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद वो परिणाम डरता नहीं है, डरता होता तो ज्ञानियों का शरीर का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानियों का शरीर का कैसे नाश करेंगे करके रुक जाता तो सारे ज्ञानी अभी जिंदा होते, बहुत अच्छा होता, किंतु ऐसा नहीं होता। ज्ञानी हो अज्ञानी हो शरीर तो अपना परिणाम को पूरा करेगा, रुकेगा नहीं। तो चरितार्थत्वात् शरीर भेदे प्राप्ते, शरीर के वियोग प्राप्त होने पर प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान जो है अपने सात कार्यों को समाप्त कर दिया, सात कार्य के परिणाम को इनके प्रति समाप्त कर दिया, इनका प्रति उसका संबंध नहीं है, वो अपने को मानता नहीं, इसीलिए प्रधान विनिवृत्त प्रधान विनिवृत्त हो गया, तब ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्य वहां पर दोनों प्रकार से कैवल्य इस प्रकार उनको प्राप्त हो जाता है। अब जो है पूरा विषय की व्याख्या यहां तक हो गई है।
जहाँ से दुखत्रयाभिघादात इत्यादि से शुरू किया था, दुखत्रय के विनाश दुख समाप्त करने के लिए उद्देश्य से हुआ, और यहाँ आकर के वो दुख की समाप्ति की घोषणा कर दी कि विदेह मुक्ति स्थिति में दुख समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से जो आगे के जो श्लोक हैं, हमारे शास्त्र मर्यादा के अनुसार कुछ बातें उसमें कहनी हैं, उसके लिए वो संबंध करके श्लोक बता रहे हैं। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम् परमर्षिणा समाख्यातम् पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् स्थित्युत्पत्ति प्रलयास् चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां तत्र लिखा है, इसको यत्र कर देना चाहिए। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम् परमर्षिणा समाख्यातम्, ये पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होने वाला जो ज्ञान की स्थिति अथवा पुरुषार्थ रूप ये ज्ञान अधिगुह्य है। परमार्थ पुरुषार्थ ज्ञान इदं गुह्यम्, अतीव रहस्यम्, बहुत रहस्य है, इसको परमर्षिणा समाख्यातम्, ये रहस्यम का अर्थ होता है एक तो गोपनीय बात जिसको समाज में नहीं कहना चाहिए, सबके सामने सबके लिए नहीं कहना चाहिए, वैसा सामान्य रूप से गुह्य का अर्थ यही होता है गोपनीय, और दूसरा गुह्य का अर्थ होता है एकांत में ही बात वार्ता करने योग्य, जिसके विषय में एकांत में ही वार्ता करनी चाहिए, समाज में वार्ता नहीं करनी चाहिए, तो वो भी गुह्य होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई जो सामान्य जो रहस्य हम कहते हैं वो अपने कुछ संबंध स्वार्थ आदि से जो रहस्य होता है, कुछ नुकसान हमको हो सकता है, इस प्रकार से रहस्य होते हैं, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो एकांत में वार्ता करने योग्य रहस्य जो होते हैं वो क्या है, जो अनधिकारी सुन लेंगे, जो इसको प्राप्त करने के अपने अधिकारित्व तो नहीं रखते हैं, समझदारी नहीं रखते हैं, ऐसा कोई सुन लेंगे तो उससे उनको अनर्थ होगा, वो उसको सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इस दृष्टि से एकांत में कहते हैं। क्योंकि अज्ञान की ज्ञान की बात भी सभी एकांत में ही कहना चाहिए कि कौन सुन रहा है, इसका ध्यान वक्ता को होना चाहिए, उसी दृष्टि से ही बात करना है, ये कौन सुन नहीं रहा है, कैसे सुन रहा है ये पता नहीं है, ऐसी बातें कहेंगे तो भ्रम पैदा होगा, क्योंकि कौन कौन किस स्थिति में मन लेके बैठा हुआ है आपको मालूम नहीं है, तो आध्यात्मिक के सामान्य बातें भी बहुत भ्रामक होता है दूसरे को बढ़ते। इसलिए जैसा आप बहुत सारे लोगों के सामने बात करेंगे, जैसे टीवी आदि में पब्लिक में सब बात करते हैं, तो उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो श्रोता के जो लक्षण है या श्रोता के अधिकारित्व आपके पास आपके सामने नहीं है, कौन सुन रहा है, इसलिए ऐसे बहुत सामान्य बात ही कह देना चाहिए, कोई विशेष रहस्य बात कभी भी ऐसे बड़े मतलब समूह में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उससे अनर्थ होता है, वो गलत समझते हैं उस प्रकार से आचरण कर देते हैं, आपने जो माना है वो सही समझ करके करेंगे, बहुत कुछ अनर्थ होता है, इस कारण से भी गुह्य होता है। ऐसे गुह्य शास्त्र को परमर्षिणा समाख्यादम, परमर्षि यहाँ कपिल महर्षि है, कपिल महर्षि के द्वारा, श्री कपिल महर्षिणा परमर्षिणा सम्यक आख्यादम, सम्यक प्रकार से कहा गया था वो गुह्य शास्त्र। क्या है उसका स्वरूप बोलते, यत्र भूतानां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते,
जिस शास्त्र में भूतानाम ये भूत प्राणियों का स्थिति उत्पत्ति प्रलय इनके बारे में चिंतन होता है, चिंत्यन्ते, स्थिति उत्पत्ति प्रलय के बारे में ही चिंतन किया था अभी तक कि प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और प्रलय कैसे होता है, ये सारे चिंतन किया था। इसमें यद्यपि हम पुरुष के बारे में भी चिंतन किए हैं, पुरुष के स्थिति उत्पत्ति प्रलय तो नहीं है, पुरुष तत्व के बारे में भी चिंतन किया, किंतु वो स्थिति उत्पत्ति के प्रसंग में मिला करके जो संयोग आदि को मान करके कहा उसी के द्वारा कहा गया, केवल पुरुष तत्व के बारे में भी विचार किया, किंतु मुख्य रूप से यह स्थिति उत्पत्ति प्रलय ही इसका कारण होता है। हमारे कोई भी दर्शन शास्त्र का मूल पद्धति यही है कि स्थिति उत्पत्ति और नाश इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में विचार करने पर आपको तत्संबंधी सबका ज्ञान स्वयं ही हो जाता है, उसके अंतर्गत सब कुछ आ गया। इस प्रकार से हम विचार किया है जिस शास्त्र में इसका विचार किया, सामान्य शास्त्रों की बात है, इस प्रकार ही विचार होता है। एतत् पवित्रमग्र्यम् मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ एतत्पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् आसुरिरभि पञ्चशिखाय तेन